हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? क्या सभी लोग मस्त एकदम पढ़ाई कर रहे हैं? चलिए वेदांत, आपने किस चीज़ का आंसर देना चालू कर दिया? अभी तो क्वेश्चन चालू ही नहीं हुए हैं अपने बीच में। चलिए स्टूडेंट्स, जल्दी से स्टार्ट करें अपनी आज की क्लास। आर यू ऑल रेडी? क्या सभी लोग रेडी हैं स्टूडेंट्स? ग्रेट, चलो, वेरी नाइस। तो जल्दी से स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन कॉस्ट चैप्टर पे। हम एक क्विक रिवीजन लेंगे कॉस्ट का एंड फिर उसके बाद स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन बैंक पे आ जाएंगे। ओके, सो एवरीवन रेडी? फटाफट से एक बार सभी लोग आ जाएंगे एकदम रेडी अपने बुक नोटबुक के साथ। अगर ग्राफ आएंगे तो हम ग्राफ को या जो भी आपको लिखना है आप वो भी लिख सकते हैं। चलो ग्रेट, तो जल्दी से स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपना कॉस्ट। तो अगर बेसिकली स्टूडेंट्स हम कॉस्ट की बात करें, सबसे पहले सॉरी सॉरी टू इंटरप्ट, यहाँ पर बेटा अब जो मैं रिवीजन करा रही हूँ ना वो आपको मॉड्यूल से करा रही हूँ। जब मैंने आपकी नॉर्मल क्लास ली थी तो मैंने अपनी बुक से आपको पढ़ाया था, फिर एक बार मैं जब रिवीजन करा रही हूँ तो मैंने सोचा आज मैं मॉड्यूल से ही करा देती हूँ, जिससे आपको कॉन्फिडेंस हो जाए कि आप एक बार मॉड्यूल भी देख चुके हो, एक बार आप मेरे नोट्स भी देख चुके हो और आपका यहाँ पर दोनों चीजों की अंडरस्टैंडिंग भी हो जाए कि अगर कोई चीज वहां मिस हो गई आपको यहाँ से समझ आ रही है तो ठीक है, यहाँ की कोई चीज तुम्हें मेरे नोट से ज्यादा अच्छे से समझ आ रही है तो भी ठीक है, तो हमारे पास एटलीस्ट एक मॉड्यूल का भी डिस्कशन हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं कॉस्ट। अगर हम स्टूडेंट्स बात करें तो हमने लास्ट कुछ क्लासेस में पढ़ा था प्रोडक्शन के बारे में। प्रोडक्शन क्या होता है? एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम इनपुट को किसमें कन्वर्ट करते हैं? आउटपुट में। बट स्टूडेंट्स, इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करने के लिए एक प्रोसेस में जब हम जाते हैं तो क्या उस प्रोसेस के थ्रू हमें कुछ कॉस्ट इनकर करनी पड़ती है? ऑब्वियसली जो फैक्टर्स हम एम्प्लॉय करेंगे उनकी कॉस्ट इनकर करनी पड़ेगी। तो इसी के कॉन्सेप्ट को हम पढ़ने वाले हैं इन द चैप्टर थ्योरी ऑफ कॉस्ट। इसी कॉन्सेप्ट को, मतलब ये जो हम कॉस्ट पढ़ रहे हैं किसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स? प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं कि जब एक प्रोड्यूसर प्रोडक्शन करने जाता है या जब वो आउटपुट प्रोड्यूस करने जाता है तो उसे जो कॉस्ट इनकर करनी पड़ती है उन कॉस्ट का बिहेवियर कैसा होता है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले आ जाते हैं स्टूडेंट्स कॉस्ट पे। तो कॉस्ट की डेफिनेशन क्या बोलती है? तो स्टूडेंट्स कॉस्ट की डेफिनेशन यहाँ पे बोलती है कि कॉस्ट रिफर्स टू द स्टडी ऑफ बिहेवियर। कॉस्ट रिफर्स टू द स्टडी ऑफ बिहेवियर, ठीक है, ऑफ द कॉस्ट इन रिलेशन टू द वन और मोर प्रोडक्शन क्राइटेरिया। ये जो कॉस्ट एनालिसिस है ये क्या करता है? बिहेवियर स्टडी करता है कॉस्ट का। क्या कहते हैं? इन रिलेशन टू वन और मोर प्रोडक्शन क्राइटेरिया, मतलब जब हम प्रोडक्शन करते वक्त कुछ क्राइटेरिया सेट करते हैं तो उन क्राइटेरियाज में कॉस्ट का कैसा बिहेवियर होता है कॉस्ट एनालिसिस उस चीज को स्टडी करता है। नेमली जैसे साइज ऑफ आउटपुट, हमारे साइज ऑफ आउटपुट पे भी डिपेंड करती है कॉस्ट। आखिर हम कितने लेवल पे प्रोडक्शन कर रहे हैं? अगर हम बल्क में प्रोडक्शन कर रहे हैं तो कॉस्ट कितनी होगी? अगर कम कम यूनिट्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो कॉस्ट कितनी होगी? स्केल ऑफ ऑपरेशन, हम किस स्तर पे काम कर रहे हैं? हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के प्राइजेस क्या है? एंड अदर रिलेटिव रेलिवेंट इकोनॉमिक वेरिएबल, मतलब अगर बात की जाए तो कॉस्ट एनालिसिस इज कंसर्न विद द फाइनेंशियल एस्पेक्ट ऑफ प्रोडक्शन इन रिलेशन, प्रोडक्शन रिलेशन एज अगेंस्ट द फिजिकल एस्पेक्ट विच वर कंसिडर्ड इन द प्रोडक्शन एनालिसिस। मतलब जो भी हमने प्रोडक्शन में फिजिकल इनपुट की बात की है उनके एस्पेक्ट्स में हम कॉस्ट की बातें अभी करने वाले हैं। ठीक है, क्या बोला स्टूडेंट्स इन्होंने? इन्होंने बोला कि कॉस्ट एनालिसिस मतलब क्या? तो कॉस्ट एनालिसिस, एनालिसिस मतलब डीप स्टडी। तो कॉस्ट एनालिसिस इज द डीप स्टडी ऑफ द बिहेवियर ऑफ द कॉस्ट इन रिलेशन टू द प्रोडक्शन क्राइटेरिया। भाई जब तुम प्रोडक्शन करने जा रहे हो तो प्रोडक्शन के जो तुमने क्राइटेरियाज रखे हैं उनमें कॉस्ट का बिहेवियर कैसा होगा, उनमें खर्चे का बिहेवियर कैसा होगा? सबसे पहले आपको जो एनालिसिस में आपके क्राइटेरिया थे वो क्या थे? साइज ऑफ आउटपुट, तुम बल्क में प्रोडक्शन कर रहे हो, स्मॉल स्मॉल यूनिट्स का प्रोडक्शन कर रहे हो, पॉइंट नंबर वन। स्केल ऑफ ऑपरेशन, तुम्हारा किस स्तर पे तुम जाके काम कर रहे हो, तुम्हारे प्राइजेस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है, भाई जो तुम फैक्टर्स यूज कर रहे हो उनकी कॉस्टिंग क्या है। और फिर बोला गया जब हम इस कॉस्ट एनालिसिस को पढ़ेंगे तो हम इनके फाइनेंशियल, याद है मॉनेटरी एस्पेक्ट, जब हम पढ़ रहे थे अभी क्वेश्चन कुछ सॉल्व कर रहे थे तो आप बोल रहे थे प्रोडक्शन फंक्शन किससे डील करता है? आउटपुट से, ना कि मॉनेटरी वैल्यू से। उन्हीं मॉनेटरी वैल्यू से हम कहां डील कर रहे हैं स्टूडेंट्स? कॉस्ट चैप्टर में कर रहे हैं। तो कॉस्ट एनालिसिस इज कंसर्न्ड विद द फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स ऑफ द प्रोडक्शन
इन रिले एज अगेंस्ट द फिजिकल एस्पेक्ट्स विच वर कंसिडर्ड इन द प्रोडक्शन एनालिसिस, मतलब जो भी हमने फिजिकल इनपुट को कंसिडर किया था प्रोडक्शन चैप्टर में, उनके रिगार्डिंग जो भी कॉस्ट आ रही है, उनसे रिलेटेड जो कॉस्ट आ रही है, हम इस चैप्टर में उसे स्टडी करने वाले हैं। ऑब्वियसली स्टूडेंट्स, अगर चैप्टर का बेस नहीं पता होगा तो आगे पढ़ने में प्रॉब्लम जाती है। फिर स्टूडेंट्स, हमने देखा था यहाँ पर टाइप्स ऑफ कॉस्ट, हमने क्या देखा था, टाइप्स ऑफ कॉस्ट सबसे पहले देखी थी स्टूडेंट्स हमने, अकाउंटिंग कॉस्ट एंड इकोनॉमिक कॉस्ट, हमने क्या देखी थी, अकाउंटिंग कॉस्ट एंड इकोनॉमिक कॉस्ट। और अगर स्टूडेंट्स मैं अकाउंटिंग कॉस्ट एंड इकोनॉमिक कॉस्ट की बात करूं, तो अकाउंटिंग कॉस्ट के पहले नाम देख लेते हैं भाई, अकाउंटिंग कॉस्ट को और क्या बोला जाता है, तो अकाउंटिंग कॉस्ट को बोला जाता है एक्सप्लिसिट कॉस्ट, एक्सप्लिसिट कॉस्ट, ठीक है, या इसी को बोला जाता है आउटले कॉस्ट, ठीक है। एक्सप्लिसिट कॉस्ट को कैसे डिफाइन किया या अकाउंटिंग कॉस्ट को कैसे डिफाइन किया गया है, तो बोला गया है जो भी कॉस्ट तुम इनकर करते हो ऐसे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर जो तुमने एक्सटर्नल टू द ऑर्गेनाइजेशन से हायर किए हैं, उन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की कॉस्ट को बोला जाता है एक्सप्लिसिट कॉस्ट। ऐसी कॉस्ट जो एक्सटर्नल टू द ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर हमने इंकर की है, उन्हें बोला जाता है एक्सप्लिसिट कॉस्ट। इसी का दूसरा नाम है अकाउंटिंग कॉस्ट, ठीक है। अच्छा, इसको और कैसे डिफाइन किया गया, ऐसी कॉस्ट जिसपे एक्चुअली मनी का एक्सपेंडिचर होता है, ऐसी कॉस्ट जिसमें एक्चुअली मनी का एक्सपेंडिचर होता है, ऐसी कॉस्ट को बोला जाता है स्टूडेंट्स एक्सप्लिसिट कॉस्ट। ऐसी कॉस्ट को अपन क्या बोलते हैं, एक्सप्लिसिट कॉस्ट। ऐसी कॉस्ट जिसपे एक्चुअली मनी का खर्चा किया जाता है, पैसों में खर्चा किया जाता है, ऐसी कॉस्ट को बोला जाता है एक्सप्लिसिट कॉस्ट। और इसी नेचर के कारण इसे बोला जाता है आउटले कॉस्ट भी, ठीक है। चलिए फिर स्टूडेंट्स, दूसरा इज, तो दूसरा यहां पर आ गया आपका, दूसरी कॉस्ट इज इम्प्लिसिट कॉस्ट। इम्प्लिसिट मतलब मैं कैसे डिफाइन करती थी स्टूडेंट्स इम्प्लिसिट को, आईएम की जो कॉस्ट है, मतलब आईएम की जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की कॉस्ट है, उसे हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, इम्प्लिसिट कॉस्ट बोलेंगे। उसे हम क्या बोलेंगे, इम्प्लिसिट कॉस्ट बोलेंगे, या इसी को बोला जाता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसका रीजन क्या है स्टूडेंट्स, जब हम खुद के फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एम्प्लॉय करते हैं, जब एक एंटरप्रेन्योर अपने खुद के फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन व्यापार करने के लिए एम्प्लॉय करता है, तो वो अपने आप को पैसा नहीं देता, बट उसके फैक्टर्स की कुछ ना कुछ कॉस्ट तो होती है, क्योंकि अगर वो पैसा, अगर वही फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वो अपने व्यापार में ना लगाता और अगर कहीं और लगाता, तो उन्हें वो अर्न करके देते ना, और पैसे का ना आना भी क्या होता है, जाना होता है। इसीलिए इसीलिए हम इम्प्लिसिट कॉस्ट को भी कंसिडर करते हैं जब हम यहाँ पर प्रोडक्शन की कॉस्ट को निकालते हैं, ठीक है। क्या बोला, आई एम की कॉस्ट, मतलब आई एम के फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की जो कॉस्ट होती है एंटरप्रेन्योर के लिए, उसे क्या बोला जाता है, इम्प्लिसिट कॉस्ट। इसी को बोला जाता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स इसे अपन, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। अब देखिए एग्जांपल के तौर पे, अब मिस्टर रामू काका हैं और रामू काका के खेत में उन्होंने प्रोडक्शन चालू किया, किसका, वीट का। अब प्रोडक्शन करने के लिए स्टूडेंट्स उन्हें सीड्स की जरूरत पड़ी, राइट, उन्हें फर्टिलाइजर की जरूरत पड़ी, उन्हें लेबर की जरूरत पड़ी और उन्हें लैंड की जरूरत पड़ी, ठीक है, प्लस उन्हें यहाँ पर कुछ कैपिटल इक्विपमेंट जैसे ट्रैक्टर वगैरह की जरूरत पड़ी, हार्वेस्टर की जरूरत पड़ी, ठीक है। अब देखो सीड्स वो मार्केट से जाके लेके आए, जब वो मार्केट से जाके लेके आए तो उन्होंने अगले को पैसा दिया, वो पैसा कितना दिया, मान लो ₹2000 दिए, ठीक है। फिर जब वो फर्टिलाइजर लेने गए तो वो एक्सटर्नल मार्केट से जाके फर्टिलाइजर लेके आए थे, तो उन्होंने उसको कितने का पेमेंट किया, 2000 का पेमेंट किया। फिर स्टूडेंट्स लेबर के लिए वो और उनके तीन बेटे थे घर में, तो उन्हें लगा उन्हें और किसी की जरूरत नहीं है, हम चार ही लोग काफी हैं अपने लैंड के लिए। तो लेबर किसकी थी, एंटरप्रेन्योर की, खुद की थी, ठीक है। फिर लैंड के दो ऑप्शन थे, या तो वो किसी से सिकवी पे लेते, लीज पे लेते लैंड, या उन्हीं के पापा का कुछ लैंड पड़ा हुआ था जिसपे वो खेती कर सकते थे। तो उन्होंने सोचा भाई अगर मैं किसी और से लीज पे लूंगा तो मुझे कॉस्ट लगेगी,
तो क्यों ना जो मेरे पापा का लैंड रखा हुआ है, क्या मैं उसी पे खेती करूं? ठीक है। अच्छा, एक और बात थी, जब इसके पहले वो खेती नहीं करते थे ना स्टूडेंट्स, तो इसके पहले उनके रेंट लैंड से भी उन्हें क्या मिलती थी, एक रेंटल वैल्यू। वो रेंटल वैल्यू कितनी मिलती थी, यहां पर मिलती थी उन्हें 50,000 रुपये सालाना। कितनी मिलती थी, 50,000 रुपये सालाना मिलती थी। पर यहां पर अभी तो वो फिलहाल में नहीं लग रही, क्योंकि एंटरप्रेन्योर अपना खुद का लैंड यूज कर रहा है। ओके। ट्रैक्टर इन्होंने ये भी किराए पे मंगाया, तो ट्रैक्टर का खर्चा कितना लगा पूरा प्रोडक्शन करने के लिए, 10,000 रुपये। और हार्वेस्टर का खर्चा कितना लगा, 5,000 रुपये। अब और हाँ, एक और बात है, जब ये लेबर थी ना, लेबर जो हम और हमारे तीन, ये हम और हमारे तीन जब रामू काका देख रहे थे, तो उन्होंने देखा कि इनके तीनों बच्चे और ये खुद अगर किसी और के खेत में काम करते तो इन्हें यहां पर कितना पैसा मिलता, 30,000 रुपये मिलता। कितना मिलता, 30,000 रुपये मिलता। अब रामू काका ने यहां पर स्टूडेंट्स 10,000 केजीज ऑफ व्हीट का प्रोडक्शन किया। मुझे आप कैलकुलेट करके बताइए कि ये 10,000 वीट का प्रोडक्शन करते वक्त उनका जो टोटल खर्चा बैठा वो कितना बैठा, और एक एक केजी ऑफ वीट पे ये कितनी कॉस्ट एलोकेट करेंगे। आप सोच के बताइए खुद से, अगर आप एक रैशनल पर्सन की तरह डिसीजन लेंगे। और अगर आपको मेरी सेकेंड सेकेंड नंबर वाली क्लास याद होगी, बिजनेस इकोनॉमिक्स, थर्ड नंबर वाली बिजनेस इकोनॉमिक्स वाली, कि वो एक टीवीएस हीरो कंपनी के साथ एक मीटिंग हुई थी, चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास गए थे, नॉट हीरो कंपनी के साथ, चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास गए थे सलाह मांगने के लिए कि अभी कैसा करना चाहिए। तो उन्होंने बोला था आप अपनी जॉब छोड़ोगे तो वो भी हाथ से जाएगी, सालाना तौर पे जो 12-13 लाख आप जॉब से कमा रहे हो वो भी जाएगा, तो सोच लो कैसे डिसीजन लेना है। तो तुम भी उसी कंडीशन में हो, तुम्हें सलाह देनी है, जल्दी से बताओ कैसे बताओगे आप, क्या कॉस्ट होनी चाहिए जो एलोकेट की जाएगी। एक बार वापस से, सीड्स बाहर से खरीदी थी, फर्टिलाइजर बाहर से खरीदे थे, लेबर एंटरप्रेन्योर की थी जो 30,000 रुपये कमाती, लैंड एंटरप्रेन्योर का था जो 50,000 रुपये कमाता, ट्रैक्टर 10,000 का खर्चा, हार्वेस्टर 5,000 का खर्चा। जल्दी बताइए स्टूडेंट्स, अगर आपसे कोई पूछे कि टोटल कॉस्ट कितनी लगी एंड पर यूनिट कॉस्ट कितनी लगी, तो आप कैसे बताओगे, कितनी बताओगे? ओके, आशी का रिप्लाई आ गया, अजय का भी रिप्लाई आ गया। ओके, वेरी गुड अमरजीत। ठीक है, जल्दी जल्दी से स्टूडेंट्स, फास्ट, कम ऑन। ओके, क्या बात है स्टूडेंट्स, आप सभी के आंसर एकदम सही आ रहे, कोई तो गलत कर दो यार, मुझे कुछ तो समझाने का मौका दो। तुम सभी लोग सही से आंसर दे दोगे तो कैसे चलेगा, एक आध तो गलत आंसर दे दो प्लीज, थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा समझाने के लिए। ऐसा भी मत करो कि सभी सही आंसर देंगे। ओके, चलिए, चलो, वेदांत ने मेरा मन रखने के लिए बोल दिया कि चलिए मैम आप टेंशन मत लीजिए, मैं हूं ना, मैं गलत आंसर देता हूँ जिससे आपको समझाने का मोटिवेशन मिले। वेरी गुड वेदांत, थैंक यू, संस्था आपकी बहुत आभारी है। चले, क्या बोल रहे हैं स्टूडेंट्स, अगर इस लैंड पे हमें वीट ग्रो करना है तो ऑब्वियसली सीड्स की जरूरत पड़ेगी, हाँ, फर्टिलाइजर की जरूरत पड़ेगी। क्या ये वो रिसोर्सेज हैं जो हमने एक्सटर्नल टू दी ऑर्गेनाइजेशन से लाए और इनके ऊपर खर्चा भी इनकर करके लाए? हाँ, तो इनकी कॉस्ट को क्या बोला जाएगा, एक्सप्लिसिट कॉस्ट बोला जाएगा। फिर उसके बाद यहां पर लेबर और रेंट, अभी रुक जाओ, ट्रैक्टर और हार्वेस्टर भी बाहर से लेके आए थे क्या? हाँ, तो उसकी कॉस्ट भी कैसी है, एक्सटर्नल। क्या पेमेंट करना जरूरी है, ऑब्वियसली नहीं करेंगे, तो क्या वो यहाँ पर अपना ट्रैक्टर या हार्वेस्टर किराए पे देंगे? नहीं देंगे। मतलब ये कॉस्ट तो फिक्स है कि जब हम 10,000 केजीज का प्रोडक्शन करेंगे तो हमें 10 + 5 = 15, 5 + 4 = 19, 19,000 का खर्चे तो करने ही पड़ेंगे कैश में, इसका और कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है।
मतलब जब हम वीट बेचने मार्केट में जाएंगे, हम इतना तो मेक श्योर करेंगे कि भैया जो पैसा बाहर वालों को देना है कम से कम वो तो पहले रिकवर करें, है ना, क्योंकि ये उधारी का जीवन अपन ने नहीं जीना। पर इसके साथ साथ एक इंडिविजुअल ये भी तो सोचेगा कि जब मैं इस व्यापार में उतरा फार्मिंग करने के, तो कुछ पैसा था जो मेरे पास जेब में आ रहा था, और जब मैंने इस व्यापार को चूज किया तो वही रिसोर्सेस को मैंने अपने व्यापार में यूज किया, तो वो पैसा आते आते रुक गया। और वो पैसा आते आते रुक गया, बट कहीं ना कहीं अगर मैं बाहर जाता तो मुझे इतना पैसा मिलता। तो तुम्हें नहीं लगता आज इस 10,000 किलो वीट का इतना दायित्व बनता है कि उस पर्सन को कम से कम इतना पैसा तो दे? ये भी तो एक ऑर्गेनाइजेशन का रिसोर्स है, सॉरी, ये भी तो एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। भले विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन से आया, बट क्या घर के लोग अगर काम करते तो उनकी कोई वैल्यू नहीं होगी क्या? उनकी भी वैल्यू है, और उनकी वैल्यू कहाँ से पता चलेगी? तो उनकी वैल्यू पता चलेगी उस अपॉर्चुनिटी से, ध्यान से सुनना, उनकी वैल्यू जो फैक्टर्स हमने फर्म के एंटरप्रेन्योर के ही एम्प्लॉय किए हैं, उनकी कीमत कैसे पता चलेगी? तो उनकी कीमत पता चलेगी वहां से जहां को छोड़कर वो हमारे पास आए हैं। जिस चीज को वो छोड़कर हमारे पास आए हैं ना, मतलब उन्होंने इस चीज के बिजनेस को करने के लिए जिस चीज का लॉस किया है, वो लो जो लॉस किया है वो एक्चुअली में उनकी कॉस्ट है, जो फर्म इनडायरेक्टली बियर करेगी। उसके फर्म के पास और कोई ऑप्शन नहीं है, उसको इतना देना पड़ेगा एंटरप्रेन्योर को, नहीं तो एंटरप्रेन्योर अगली बार से बिजनेस नहीं कर पाएगा। तो जो खुद के फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की कॉस्ट लगती है, पहली बात तो वो एक्चुअली में कैश पेमेंट नहीं होता, वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है, उस चीज की खर्चा होता है या उस चीज की वैल्यू होती है जो वो छोड़कर हमारे पास आए हैं। तो वो जो छोड़कर हमारे पास आए हैं, तो बिजनेस का दायित्व बनता है कि उतना तो उन्हें दे ही दे। तो इसीलिए इसका एक बहुत प्यारा सा नाम रखा, इम्प्लिसिट कॉस्ट। और वो कॉस्ट हमारे लिए कितनी बैठी? 50,000 रुपए लैंड का, क्योंकि वो पैसा आते आते रुका। और चलो अगर फर्म यही लैंड किसी और से लेती तो वो भी तो 50,000 रुपए लेता ना। तो ये 50,000 रुपए क्या बुरे हैं? अपने आप को तो देना ही पड़ेगा। और ये बिजनेस के लिए खर्चा क्यों है? क्योंकि तुमने इनडायरेक्टली फर्म के रिसोर्सेस को इम्प्लॉय किया जिनकी कुछ वैल्यू थी। तो वो भले ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेस हैं, बट प्रोडक्शन करते वक्त उनका उतना ही उपयोग किया गया है जितना उन रिसोर्सेस का किया गया था जो एक्सटर्नल टू दी ऑर्गेनाइजेशन से तुमने अक्वायर किए थे। तो जब उनको पैसा दिया है तो इनका भी पैसा बनता है। तो इनके लिए जो नाम रखा गया वो इम्प्लिसिट रखा गया, इनके लिए एक्चुअल कैश पेमेंट नहीं करना पड़ा इन्हें इम्प्लॉय करने के लिए। इनकी जो कॉस्ट निकली वो वहां से निकली जिस अपॉर्चुनिटी को ये खो कर हमारे पास आए थे, वहां से आई। तो यहां पर कितना हो जाएगा? 50,000 प्लस 30,000 लेबर का खर्चा, एंड ऑब्वियसली ये भी तो यूज हुए ना प्रोडक्शन करते वक्त। तो तुम्हारे लिए टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी स्टूडेंट्स? 99,000। तो एटलीस्ट तुमसे अगर कोई पूछेगा कि भैया पर केजी बनाने का खर्चा कितना है, तो तुम ये बोलोगे 99,000 भाई खर्चा हुए। जेब से जो कैश पेमेंट हुआ वो 19,000 का था, और इतना इम्प्लिसिट नेचर की कॉस्ट थी, बट कॉस्ट तो थी, देना तो पड़ेगा यार। रैशनल डिसीजन मेकिंग कर रहे हो तो आप हर एक बारी खर्चे को भी एड अप करोगे, ठीक है? तो पर केजी की कॉस्ट कितनी पड़ी? 99.9, क्या कहते हैं, 9 रुपए 90 पैसे पर केजी, दैट इज 9.90 पैसा पर केजी। इज इट क्लियर? पक्का? जो हमने खुद के रिसोर्सेज इंप्लॉय किए उसे बोला गया एक्सप्लिसिट कॉस्ट, जो हमने ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज यूज किए उसे बोला गया इम्प्लिसिट कॉस्ट। इन दोनों की कॉस्ट से हमें क्या पता चल गई? टोटल कॉस्ट। हम पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स, इसीलिए इसे बोला गया रिसोर्सेस की कॉस्ट, मतलब इकोनॉमिक कॉस्ट भी, ठीक है? एक्सप्लिसिट को और क्या बोला जाता है स्टूडेंट्स? तो एक्सप्लिसिट को बोला जाता है अकाउंटिंग कॉस्ट। इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या? एक्चुअल में कैश पेमेंट होता है? नहीं, ठीक है? ये क्या होती है? अपॉर्चुनिटी का खर्चा, वो अपॉर्चुनिटी जो हम खो के आए हैं, जो खो गया वो हमारे पास से गया, एक तरीके का खर्चा है। खर्चा क्या होता है? वो चीज जो हमने खो दी, पैसा जो हमने गवा दिया, खो दिया, कॉस्ट।
तो वैसे ही क्या हुआ, इम्प्लिसिट कॉस्ट मतलब वो कॉस्ट जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने अपने पैसे आते आते रोक दिए, वो भी तो एक तरीके की कॉस्ट है ना। तो इसे क्या बोला गया, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्या इसमें एक्चुअल कैश पेमेंट इन्वॉल्व होता है क्या स्टूडेंट्स? नहीं होता है। तो क्या आप इसे ये बोल सकते हो, अकाउंटिंग कॉस्ट प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज इक्वल टू इकोनॉमिक कॉस्ट इज इक्वल टू इज नथिंग। इकोनॉमिक कॉस्ट का दूसरा सिनोनिम नेम क्या है यहाँ पे, टोटल कॉस्ट। ठीक है, पक्का बोलो, क्लियर है सभी को? जल्दी से बताइए स्टूडेंट्स, क्लियर है? क्लियर है? जिंदगी में एक चीज ध्यान रखना, जब तुम डिसीजन लेते हो, जब तुम खर्चा एलोकेट करते हो, तो तुम एक एक चीज का खर्चा काउंट करोगे, भले ही वो खुद के रिसोर्सेस पे तुम करते तो इतना करते ना भाई, उसकी भी तो कुछ वैल्यू है। हाँ चलो ये बोल सकते हैं कि मैम इस लैंड की ना कोई कीमत नहीं थी, बंजर पड़ा हुआ था, कुछ रेंट नहीं मिलता था। तो जब कुछ नहीं मिलता था, इसकी तुम्हारे लिए लॉस कितना है इसको बिजनेस में एम्प्लॉय करने का? कुछ भी नहीं। तो इसकी कॉस्ट को कैसा ले लेते? जीरो। बट अगर इसकी कुछ वैल्यू है तो भैया एलोकेट करो ना, क्या दिक्कत है, तुम्हारे पास ही तो पैसा आ रहा है। एक्चुअली में ये पैसा किसके पास जाएगा? ओनर के पास ही तो जाएगा। ठीक है, पक्का? चलो समझ गए ये वाला, कि अगर लैंड की कीमत जीरो होती तो क्या होता। चलो वेरी गुड, सभी को समझ आ गया। चलो ग्रेट, तो जल्दी से आ जाते हैं अपन अपनी मॉड्यूल पे। तो यहाँ पर क्या बोलता है, अकाउंटिंग कॉस्ट एंड इकोनॉमिक कॉस्ट। तो जल्दी से एक बार मैं आपको रीड करा देती हूँ, जिससे अगर आपको इस क्वेश्चन में सबसे ज्यादा डाउट लगता है। एन एंटरप्रेन्योर हैज टू पे अ प्राइस फॉर द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन विच ही एम्प्लॉयज फॉर द प्रोडक्शन। भाई तुम जो भी चीजें एम्प्लॉय करोगे प्रोडक्शन करने के लिए, उन सबके लिए तुम्हें पैसा तो देना ही पड़ेगा। ही दस पे वेजेस टू द वर्कर एम्प्लॉयड, प्राइस फॉर द रॉ मटेरियल, फ्यूल, पावर यूज्ड, रेंट फॉर द बिल्डिंग ही हायर्स, एंड इंटरेस्ट ऑन द मनी बोरोड फॉर डूइंग द बिजनेस। ऑल दीज आर इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड दीज आर टर्म्ड एज अकाउंटिंग कॉस्ट। अकाउंटिंग कॉस्ट रिलेट्स टू दोज कॉस्ट विच इन्वॉल्व कैश पेमेंट। इनके लिए एक्चुअली में पे करना पड़ता है, बिना पे करे इनका आपको कुछ भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। दस अकाउंटिंग कॉस्ट आर दी एक्सप्लिसिट कॉस्ट। इसी का दूसरा नाम क्या है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट, एंड इंक्लूड्स ऑल दी पेमेंट एंड दी चार्जेस मेड बाय दी एंटरप्रेन्योर। सारे वो पेमेंट जो एंटरप्रेन्योर ने किए हैं ना इन सर्विसेज को अवेल करने के लिए, वो सारे इसमें अकाउंट फॉर होंगे। टू दी सप्लायर ऑफ वेरियस फैक्टर्स ऑफ वेरियस प्रोडक्टिव फैक्टर्स। अकाउंटिंग कॉस्ट आर दी एक्सपेंसेस ऑलरेडी इंकर्ड बाय दी फर्म। अकाउंटेंट रिकॉर्ड दीज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द फर्म। और अकाउंटेंट इन चीजों को रिकॉर्ड करता है, क्योंकि फर्म के गल्ले में से इनके लिए पैसा गया है। ठीक है, चले। हाउएवर इट जनरली हैपेंस दैट एन एंटरप्रेन्योर इन्वेस्ट अ सर्टेन अमाउंट ऑफ कैपिटल इन द बिजनेस। मैम अगर लैंड परचेज करके प्रोडक्शन में इंप्लॉय करते तो क्या ये एक्सप्लिसिट में इंक्लूड होता? तुमने परचेज किया अपने लिए, अपने ही लैंड को तुम यूज कर रहे हो, जब तुम अपने ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रिसोर्सेस को यूज करते हो, वो इम्प्लिसिट नेचर का है। ठीक है, और अगर तुमने लैंड स्पेसिफिकली के लिए तुम कुछ किराया दे रहे हो, किराया, जब तुम अपने लैंड को, तुम समझो आशुतोष, जस्ट अ सेकेंड स्टूडेंट्स, आशुतोष प्लीज मेक श्योर फ्रॉम द नेक्स्ट टाइम कि एक बार जब मैं कॉन्सेप्ट कंप्लीट करूं फिर आप डाउट पूछना, पर अभी आपने पूछा तो मैं क्लियर करती हूँ। स्टूडेंट्स आशुतोष का क्वेश्चन है कि मैम अगर हम लैंड परचेज करके उस पे प्रोडक्शन करते तो क्या इसकी कॉस्ट एक्सप्लिसिट होती? तो माय एक्सप्लेनेशन गोज लाइक कि आशुतोष तुमने मान लो बेटा लैंड जो है वो वेदांत से खरीदा, ठीक है, और तुम सोचे हो कि इस पे फार्मिंग करें। जब तुम इसकी कॉस्ट डालोगे फार्मिंग पर्पस के लिए, तो तुम क्या बोलोगे? तुम ये बोलोगे कि इस लैंड को खरीद के अगर मैं रेंट पे देता तो इस लैंड का मुझे इतना रेंट मिलता, अगर मैं इस साल इसे फार्मिंग के लिए यूज कर रहा हूं तो मेरे पास से जो लॉस होता है इस लैंड की वैल्यू का वो कितना होता, 1 लाख। तो मुझे फार्मिंग पे ये एक कॉस्ट की तरह चार्ज करना जरूरी है। इसकी टोटल कॉस्ट तुम यहाँ पे एलोकेट नहीं करते, जब तक तुम फार्मिंग करते और उस फार्मिंग के अलावा इसकी जो वैल्यू जनरेट होती, अगर इसे मार्केट में लाया जाता तो इसकी वैल्यू को इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है आशुतोष, एंड टू दी अदर्स, ओके आशुतोष, चलिए
अभी स्टूडेंट्स एक बार जब मैं कोई भी कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर लूँ तो उसके बाद आप मुझे पूछना, क्योंकि ऐसे में वो बोलते बोलते अपन डाइवर्ट हो जाते हैं। चलो, बोलते हैं हाउ एवर इट जनरली हैपेंस दैट एन एंटरप्रेन्योर इन्वेस्ट अ सर्टेन अमाउंट ऑफ कैपिटल इन हिज बिजनेस। इफ द कैपिटल इन्वेस्टेड बाय द एंटरप्रेन्योर इन हिज बिजनेस हैज बीन इन्वेस्टेड एल्सवेयर। अब देखो, तुम्हारा यही चीज तो बोल रहा है ना कि तुम जब व्यापार करते हो तो अपनी पूंजी लगाते हो कि नहीं लगाते हो। तो बोलता है कि इफ द कैपिटल इन्वेस्टेड बाय द एंटरप्रेन्योर इन हिज बिजनेस हैज बीन इन्वेस्टेड एल्सवेयर, इट वुड हैव अर्नड अ सर्टेन अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। तो तुम बताओ, तुम कैपिटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में चार्ज करोगे या उस कैपिटल से जो पूंजी जनरेट होती इंटरेस्ट के नाम पे वो तुम चार्ज करते, ठीक है? चलिए, तो वैसे ही लैंड की वैल्यू चार्ज नहीं करते। अगर लैंड तुम किराए पे यशमान को देते और यशमान तुम्हें उसका रेंट देता तो उस रेंट की कीमत को तुम चार्ज करते, क्योंकि उसका लॉस हो रहा है। तुम्हारा लॉस किस चीज का हो रहा है? तुमने एसेट खरीदा है, कुछ उसका थोड़ी लॉस हो रहा है। इम्प्लिसिट कॉस्ट चार्ज करते वक्त स्टूडेंट्स यू नीड टू मेक श्योर कि जब हम एक व्यापार को करने जा रहे हैं तो इस व्यापार को करते वक्त ऐसे कौन से चीजें हैं जिनका हमें लॉस हो रहा है, जिनसे हम कमाते बट उनकी कमाई का हमें लॉस हो रहा है क्योंकि हम इस व्यापार को कर रहे हैं, ठीक है? चलो, आई थिंक सो आशुतोष, इस लाइन से आपको और ज्यादा क्लैरिटी मिल गई होगी कि हम उस इनकम के सैक्रिफाइस को इंक्लूड करते हैं कॉस्ट के तौर पे जिसका लॉस होता है, ठीक है? चलिए, मोर ओवर एन एंटरप्रेन्योर मे डिवोट हिज टाइम टू हिज ओन वर्क ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉन्ट्रीब्यूट हिज एंटरप्रेन्योर एंड मैनेजेरियल एबिलिटी टू डू बिजनेस हैड ही नॉट सेट अप हिज ओन बिजनेस। बोलते हैं देखो, जब एंटरप्रेन्योर एक व्यापार चालू करता है ना तो वो खुद की मैनेजेरियल स्किल्स और सब कुछ लगाता है, अपना टाइम देता है। अगर वो इस व्यापार को नहीं करता तो ऑब्वियसली इंसान अपने आप को थोड़ी चार्ज करेगा। वो ये बोलेगा ना, मैं इस व्यापार को नहीं करता तो मेरी वैल्यू क्या होती, मतलब मैं कितना कमाता, मेरी इनकम कितनी होती। उस इनकम का मुझे लॉस हुआ तो बेटा व्यापार मुझे इतना तो लेके दियो, इसके बिना तो जियो मत, ऐसा बोलता है। ही हैड नॉट हैड ही नॉट सेट अप हिज ओन प्रोडक्शन ही वुड हैव सोल्ड हिज सर्विसेज टू द अदर फॉर सम पॉजिटिव अमाउंट ऑफ मनी। तो अकाउंटिंग कॉस्ट डू नॉट इंक्लूड दीज कॉस्ट, दीज कॉस्ट फॉर्म पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक कॉस्ट। इकोनॉमिक कॉस्ट इंक्लूड द नॉर्मल रिटर्न ऑन द मनी कैपिटल इन्वेस्टेड बाय द एंटरप्रेन्योर हिमसेल्फ इन हिज ओन बिजनेस, द वेजेस एंड सैलरी नॉट पेड टू द एंटरप्रेन्योर बट कुड हैव अर्नड इफ द सर्विसेज हैड बीन सोल्ड समवेयर एल्स। लाइकवाइज द मॉनिटरी रिवॉर्ड फॉर ऑल द फैक्टर्स ओन्ड बाय द एंटरप्रेन्योर हिमसेल्फ एंड एम्प्लॉयड बाय हिम इन हिज ओन बिजनेस आर ऑल्सो कंसिडर्ड अ पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक कॉस्ट। वो सारे फैक्टर्स जो उसने कहीं और नहीं एम्प्लॉय किए, अपने बिजनेस में यूज किए, उन सबकी कॉस्ट को हम एडअप करते। इकोनॉमिक कॉस्ट टेक्स इन टू अकाउंट दीज अकाउंटिंग कॉस्ट। मतलब जब तुम्हें इकोनॉमिक कॉस्ट की बात बोली जाएगी तो बोला जाता है, सुनो रे, केवल और केवल अकाउंटिंग नेचर की कॉस्ट नहीं लेंगे हम। हमारे पास जो बिजनेस हो रहा है ना, उसको करने के लिए हमने कई चीजों का बलिदान दिया है। भैया, उस बलिदान की भी वैल्यू है तो उसको भी कंसिडर किया जाएगा। और उसका बहुत प्यारा सा नाम है इम्प्लिसिट। और इसी की कॉस्ट कहाँ से निकल के आई? इसकी अपॉर्चुनिटी से, जो हमने लूज कर दी। इज इट क्लियर टू ऑल एवरी वन स्टूडेंट्स? क्योंकि आपको इसमें सबसे ज्यादा डाउट होते थे, ठीक है? अकाउंटिंग कॉस्ट आर ऑल्सो कॉल्ड एज एक्सप्लिसिट कॉस्ट, वेयर इज द कॉस्ट ऑफ द फैक्टर्स ओन्ड बाय द एंटरप्रेन्योर हिमसेल्फ एंड एम्प्लॉयड इन द बिजनेस आर कॉल्ड एज इम्प्लिसिट कॉस्ट। दस इकोनॉमिक कॉस्ट इंक्लूड बोथ अकाउंटिंग कॉस्ट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट, ठीक है? एंड इकोनॉमिक कॉस्ट आर यूजफुल फॉर द बिजनेस मैन वेल मेकिंग द डिसीजन, ठीक है? चलिए, अभी आ जाते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर नेक्स्ट कॉस्ट में, आउटले कॉस्ट एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आउटले कॉस्ट कौन सी कॉस्ट होती है स्टूडेंट्स? तो आउटले कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जिनके लिए एक्चुअली हम जेब से खर्चा करते हैं, जिनके लिए एक्चुअली हम जेब से खर्चा करते हैं। जिनके लिए हम जेब से खर्चा नहीं करते बट हम ये मन में सोच लेते कि अगर भाई इसकी कोई और अपॉर्चुनिटी मिलती ना तो इतना पैसा मिलता। मतलब हमारी जेब से कुछ खर्चा नहीं हुआ इनको एम्प्लॉय करने के लिए, बट अगर होता कि इनकी जगह कोई और होता, समझ रहे हो? फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप सर लोग हैं, सर अपनी क्लासेस चला रहे हैं, सर के पापा भी चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, तो वो सर के लिए पूरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर देते हैं। तो जब सर लोग फीस बनाते होंगे, अमाउंट कैलकुलेट करते होंगे, तो तुमको क्या लगता है, वो उनकी कॉस्ट भी लेते होंगे? हाँ, हमने अपने पापा के ऊपर खर्चा नहीं किया भाई, क्योंकि वो चार्टर्ड अकाउंटेंट तो है, बट अगर हम इनकी जगह किसी और फर्म को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट मैनेज करने बोलते हैं तो क्या वो हमसे पैसे लेते? हाँ,
हाँ, तो क्या हमारे रिसोर्सेस की कोई वैल्यू नहीं है? है, तो बस इतनी सी बात है, उसी का दूसरा नाम है आउटले। आउटले मतलब जिसके लिए तुमने एक्चुअली में कैश में खर्चा किया, एंड अपॉर्चुनिटी जिसके लिए कैश में खर्चा नहीं हुआ बट तुम्हारे को उतने का लॉस हुआ क्योंकि तुमने एक अपॉर्चुनिटी की जगह दूसरी अपॉर्चुनिटी को चूज कर लिया। सिंपल एज दैट। ठीक है, चले। ये बोलता है अ डिस्टिंक्शन बिटवीन द आउटले एंड द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैन बी ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ सैक्रिफाइस। आउटले कॉस्ट इन्वॉल्व फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर एट सम पॉइंट ऑफ टाइम एंड हेंस आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। इनको इनकार करते वक्त कुछ ना कुछ तो खर्चा हुआ था, इसलिए बुक्स में रिकॉर्डिंग की गई। पापा को पैसे नहीं दिए इसने बुक में रिकॉर्ड नहीं किए, बट उनकी वैल्यू है। और वो वैल्यू कहाँ से पता चली? कि अगर किसी और को देते ये काम तो वो हमसे पैसा चार्ज करता। मतलब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द अमाउंट और द सब्जेक्टिव वैल्यू दैट इज फॉरगॉन इन चूजिंग वन एक्टिविटी ओवर द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। इट रिलेट्स टू द सैक्रिफाइस ऑल्टरनेटिव। इट इज जनरली नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ठीक है, बिजनेस मैनेजर के लिए कॉन्सेप्ट बहुत यूजफुल है एंड देयरफॉर इट हैज टू बी कंसिडर्ड व्हेन एवर रिसोर्सेज आर स्केस एंड डिसीजन इन्वॉल्व्स चॉइस ऑफ ऑप्शन वन ओवर द अदर। इनको डिसीजन मेकिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट माना गया है क्योंकि ये तुम्हें तुम्हारी मार्केट वैल्यू बताती है कि भाई अपॉर्चुनिटी ए में तुम्हें सैलरी मिल रही है 30,000, तो जब तुम्हें बी फर्म हायर करेगी बीइंग चार्टर्ड अकाउंटेंट तो तुमसे क्या बोलेगी, सर आपकी कितनी एक्सपेक्टेशन है? तो तुम्हारे मुंह से क्या निकलेगा यार, 30 तो ऑलरेडी एक कोई दे रहा था, सर कम से कम 35 तो दो। तो क्या ये 30 तुम्हारे लिए क्राइटेरिया बना डिसीजन मेकिंग के लिए कि भाई मैंने 35 तो मांगनी चाहिए, अगला तो 30 दे ही रहा था, अपन 35 बोल दो। 30 के नीचे तो नहीं करेंगे क्योंकि अगर करनी है तो फिर इसी फॉर्म में कर लेते हैं, आपके पास क्यों आए? अगर हम एक चीज को छोड़ के आपके पास आए तो हमें कुछ तो बेनिफिट मिलना चाहिए, ऐसा बोलता है। ठीक है, चलिए। फिर बोलता है इन लॉन्ग टर्म कॉस्ट कैलकुलेशन ऑल्सो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज यूजफुल। दैट इज वेल कैलकुलेटिंग द कॉस्ट ऑफ हायर एजुकेशन इट इज नॉट। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये आपको क्वेश्चन के तौर पे बन सकता है। ठीक है, वेल कैलकुलेटिंग द कॉस्ट ऑफ हायर एजुकेशन इट इज नॉट द ट्यूशन फीस एंड द कॉस्ट ऑफ बुक अलोन दैट आर रेलिवेंट। मतलब मान लो अगर अपना ये जो प्यारी सी श्रेया है ये अगर बाहर जाएगी तो बाहर जाने पे इसको ट्यूशन फीस भी लगेगी और बुक्स का खर्चा भी लगेगा। ठीक है, ये तो लगेंगे ही लगेंगे, बट बोल रहा है कि श्रेया को ये भी देखना चाहिए कि भाई अर्निंग फॉरगॉन। भाई श्रेया यहाँ पर महीने के 30,000 रुपए कमा रही थी, वो तो उसका मन हुआ कि भैया अपन ने हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाना चाहिए तो उसने बाहर को ऑप्ट किया, वो बाहर गई पढ़ने के लिए। तो उसके लिए खर्चे क्या स्टूडेंट्स? 3। जो कोचिंग की जो ट्यूशन फीस उसे लग रही है, कॉलेज की फीस, जो बुक्स का खर्चा उसे लग रहा है, प्लस जो उसने अपनी अपॉर्चुनिटी को फॉरगॉन किया है इधर पे आने के लिए, दैट इज 30,000। क्योंकि वो पैसे जेब से आते तो खर्चा होते, वो पैसे जेब से नहीं आ रहे तो सेविंग से पैसा जा रहा है, वो भी हमारे लिए खर्चा है। पैसों का ना आना भी जाना है जीवन में। ठीक है, चलो। फिर उसके बाद डायरेक्ट कॉस्ट एंड ट्रेसिबल और ट्रेसिबल कॉस्ट। तो जल्दी से स्टूडेंट्स, डायरेक्ट कॉस्ट को और क्या बोला जाता है? ट्रेसिबल कॉस्ट भी बोला जाता है। अगर हम डायरेक्ट कॉस्ट की बात करें तो ऐसी कॉस्ट जो पर यूनिट ऑफ द आउटपुट इजीली डिटर्मिनेबल है, इजीली एलोकेबल है, ऐसी कॉस्ट को बोला जाता है डायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट मतलब जैसे आप स्टूडेंट्स हैं, आप प्यारे प्यारे से स्टूडेंट्स के लिए हमने एक एक सेट ऑफ बुक्स बनाया जिसमें कितनी बुक्स थी? अराउंड 9 बुक्स थी। तो क्या उनकी 9 बुक्स की हम कॉस्टिंग निकाल सकते हैं कि भाई अगर मान लो हम बाजार से ये काम कराते तो हमें प्रिंटिंग का चार्ज कितना लगता? 1 रुपए लगता। अगर हम देख रहे हैं कि 9 बुक्स के ऑन एन एवरेज पेज जो जा रहे हैं वो मान लो 4,000 जा रहे हैं, तो एक एक बुक का जो सेट स्टूडेंट्स को दिया गया है वो 4,000 का है। क्या ये कॉस्ट हम पर स्टूडेंट के साथ एलोकेट कर सकते हैं? हाँ, ये इजिली डिटर्मिनेबल है, राइट? बट अगर मैं बात करूं, जैसे मैं आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रही हूँ, तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लिए जो मैं सॉफ्टवेयर यूज कर रही हूँ उसमें तो कई सारे बैचेस चल रहे हैं, तो क्या मैं पर स्टूडेंट उस कॉस्ट को एलोकेट कर सकती हूँ क्या? नहीं, वो डायरेक्टली ट्रेसिबल नहीं कि एक एक बच्चे पे इंडिविजुअल कितना खर्चा हुआ। बस मैं उसको एलोकेट करते वक्त ये देखूंगी कि एक एक बैच को, एक बैच को पढ़ाने के लिए 8 घंटे इसका यूज किया गया, दूसरे को पढ़ाने के लिए 3 घंटे इसका यूज किया गया, चौथे को पढ़ाने के लिए उसका 5 घंटे यूज किया गया। तो नंबर ऑफ आवर्स जो मैंने एक एक बैच को दिए इस खर्चे पे, उस खर्चे को नंबर ऑफ आवर्स से डिवाइड कर दूंगी। मतलब पर यूनिट ऑफ आउटपुट के साथ मैं इसे डिटर्मिन नहीं कर सकती। सिंस मैं इसे डिटर्मिन नहीं कर सकती, इसलिए इसे बोला जाता है कि ये इनडायरेक्ट नेचर की है। मतलब कॉस्ट तो इनकर की है, बट डायरेक्टली एक एक आउटपुट को बनाने के लिए कितना खर्चा लगा है ऐसा हम एग्जैक्टली मतलब गारंटी के साथ नहीं बता सकते कि इतने ही लगा होगा।
हम इसे एलोकेट करने के लिए कोई क्राइटेरिया ढूंढ लेते हैं, ठीक है? बोले बताइए स्टूडेंट्स, क्लियर है आप सभी को? जल्दी जल्दी जल्दी, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? इनडायरेक्ट कॉस्ट आर दोस कॉस्ट विच आर नॉट इजिली एंड डेफिनेटली आइडेंटिफाइबल इन रिलेशन टू द प्लांट प्रोडक्ट प्रोसेस और डिपार्टमेंट, देयरफॉर सच कॉस्ट आर नॉट विजिबली ट्रेसेबल, इनको एकदम से आप ट्रेस नहीं कर सकते टू दी स्पेसिफिक गुड सर्विसेज और ऑपरेशन, बट आर नेवर द लेस चार्ज टू द डिफरेंट जॉब और प्रोडक्ट इन अ स्टैंडर्ड अकाउंटिंग प्रैक्टिस, इन्हें चार्ज तो किया जाता है, ठीक है? चलिए इंक्रीमेंटल कॉस्ट एंड सम कॉस्ट, ठीक है? इंक्रीमेंटल कॉस्ट मतलब क्या? तो इंक्रीमेंटल कॉस्ट का मतलब होता है कि देखो जैसे एक रूम है, रितिका इफ यू आर देयर इन द क्लास तो एक बार ध्यान से सुनना, आपका ये डाउट है और ये डाउट एकदम क्लियर हो जाएगा अगर आप क्लास में हो तो, डू लिसन टू दिस। ये रूम है ना, ये रूम तो ऑलरेडी है मेरे पास, कोई टेंशन नहीं है, मैंने इसको खरीद लिया, बट इस रूम पे जब मैं व्यापार करने का सोच रही हूं ना, तो व्यापार करने के लिए, बिजनेस करने के लिए मुझे दिख रहा है कि इस रूम पे मुझे एडिशनली एडिशनली जैसे ये रूम है, अगर मुझे इसे दुकान में कन्वर्ट करना है तो दुकान खोलने के लिए इस रूम में मुझे 5 लाख का खर्चा करना पड़ेगा, ठीक है? तो अगर मुझे इस पे 5 लाख का खर्चा करना पड़ेगा और मुझे दिख रहा है कि इतने खर्चे से जो मेरी कमाई इस खराब समय में होगी वो कितनी होगी, 2 लाख। मुझे बताओ क्या मैं यहाँ पर इन्हीं दो कॉस्ट को कंसिडर करूंगी डिसीजन में लिखते वक्त, इस रेवेन्यू और इस कॉस्ट को? हाँ भाई, 2 लाख तुम कमा पा रहे हो, 5 लाख का तुम्हारा खर्चा है, क्या तुमने करना चाहिए? अरे रूम गया तेल लेने, तुम्हारे पास रूम तो पहले ही था, तुम उसका टेंशन मत लो, वो है या नहीं उसका कोई इशू नहीं है। तुम ये देखो कि जब तुम किसी व्यापार को करने जा रहे हो तो उस व्यापार के डिसीजन लेते वक्त तुम देखोगे ना, भैया इस व्यापार को करने के लिए मुझे अब और क्या एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ेगा, और क्या वो उतना एक्स्ट्रा खर्चा मेरा रेवेन्यू कवर कर पा रहा है? अगर कर पा रहा है तो बहुत अच्छी बात है भैया, कर लो। अगर ये यहाँ पे 7 लाख होता तो अपन कर लेते, बट अगर ये 2 लाख है स्टूडेंट्स, तो क्या तुम बताओ मुझे करना चाहिए ये व्यापार? नहीं, क्योंकि मैम ऑलरेडी देखो आप बिजनेस कर रहे हो, सोच रहे हो आप रूम आपके पास है, आप इसे अपने व्यापार के लिए यूज करो नहीं करो ये तो आपके पास है, बट इसकी भी तो कुछ वैल्यू है। चलो आपने इग्नोर कर दिया कि भैया ये तो पहले भी था, जाने दो फिलहाल में से, बट आप ये तो देखो कि आप जब व्यापार करने जा रहे हो तो इस व्यापार के कारण अभी आपको और 5 लाख खर्चा करने हैं, और आपको समझ में आ रहा है प्रेजेंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद कि इस व्यापार से साल भर में कमाई केवल 2 लाख होनी है, तो फिलहाल में आप 5 लाख देखो जो एडिशनल हो रहा है वो रिकवर हो रही है कि नहीं? भला नहीं हो रही। बोले मैम जाने दो जाने दो। बोला ठीक है। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स, अब ये रूम, क्या मुझे बताओ जब मैं रूम को कंसिडर कर रही थी तो क्या मैंने इसे इग्नोर कर दिया? हाँ, क्योंकि ये तब भी था जब व्यापार नहीं था, ये तब भी है जब व्यापार है, तो इसकी कॉस्ट मेरे लिए इररिलेवेंट होगी डिसीजन मेकिंग करते वक्त। इसलिए ऐसी कॉस्ट जो ऑलरेडी तुम इनकर कर चुके हो, जिसका तुम्हें कोई टेंशन ही नहीं है फिलहाल में, उसे बोला जाता है सम कॉस्ट। और जब तुम कोई डिसीजन ले रहे हो तो हर डिसीजन की कुछ ना कुछ कॉस्ट होती है, तो वो कॉस्ट जो तुम्हारे डिसीजन पे आधारित है, तुम लोगे डिसीजन तो होगी, नहीं लोगे तो नहीं होगी, ऐसी कॉस्ट को बोला जाता है क्या? इंक्रीमेंटल कॉस्ट। और डिसीजन मेकिंग के लिए कौन सी कॉस्ट होती है स्टूडेंट्स? इंक्रीमेंटल कॉस्ट होती है। तो इंक्रीमेंटल कॉस्ट आर रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ द मार्जिनल कॉस्ट। इसी को क्या बोला जा सकता है? मार्जिनल कॉस्ट की तरह भी देखा जा सकता है। इंक्रीमेंटल कॉस्ट रिफर टू द एडिशनल कॉस्ट इंकर्ड बाय द फर्म एज अ रिजल्ट ऑफ द बिजनेस डिसीजन। लोगे डिसीजन तो ये कॉस्ट होगी, नहीं लोगे बाय बाय, कोई कॉस्ट ही नहीं है आपके लिए, जो है वो पहले भी लग रही थी अभी भी लगेगी, कोई टेंशन ही नहीं, आप तो मेंटली प्रिपेयर हो उस कॉस्ट के लिए। तो फॉर एग्जांपल इंक्रीमेंटल कॉस्ट विल हैव टू बी इंकर्ड बाय द फर्म व्हेन इट मेक्स अ डिसीजन टू चेंज इट्स प्रोडक्ट लाइन, रिप्लेस वन आउट मशीन, बाय अ न्यू प्रोडक्ट फैसिलिटी और अक्वायर अ न्यू सेट ऑफ क्लाइंट। सम कॉस्ट रिफर टू दोस कॉस्ट विच ऑलरेडी इंकर्ड वंस एंड फॉर ऑल एंड कैन नॉट बी रिकवर्ड, दे आर बेस्ड ऑन द पास्ट कमिटमेंट, ये तुम ऑलरेडी इंकर कर चुके एंड कैन नॉट बी रिवाइज्ड और रिवर्स्ड। देखो मैं रूम ले चुकी ना, अब मैं उसको रिवर्स नहीं कर सकती, मैं इस रूम को कैसे यूज कर सकती हूँ, मैंने ये देखना है किस यूज में कितना खर्चा, इंक्रीमेंटल कॉस्ट, उससे कितना रेवेन्यू, डिसीजन मेकिंग के लिए रेलेवेंट, ठीक है? चले नेक्स्ट इज
यहाँ पर बोला जाता है हिस्टोरिकल कॉस्ट एंड रिप्लेसमेंट कॉस्ट। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या होती है? ऐसी कॉस्ट जो तुमने पास्ट में इनकर की थी, यशमान के जमाने, यशमान की बातों में बोली जाए तो ऐसी कॉस्ट जो मैंने मेरे जमाने में इनकर की थी ना किसी एसेट को परचेज करने के लिए, उसे क्या बोला जाता है यहाँ पे? हिस्टोरिकल कॉस्ट। और जब यशमान के जमाने में आके मैं अपने उस एसेट को बेचने जाऊंगी ना, तो उस एसेट की जो कॉस्ट होगी उसे बोला जाएगा रिप्लेसमेंट कॉस्ट। ठीक है यशमान? ओके यशमान, तुम आज के जमाने के, मैं तब के जमाने की, तो मेरा जमाना हिस्टोरिकल जमाना। हिस्टोरिकल कॉस्ट रिफर टू द कॉस्ट इंकर्ड इन द पास्ट ऑन द एक्विजिशन ऑफ द प्रोडक्टिव एसेट लाइक मशीनरी, बिल्डिंग एक्सेट्रा। रिप्लेसमेंट कॉस्ट इज द मनी एक्सपेंडिचर दैट हैज टू बी इंकर्ड फॉर रिप्लेसिंग एन ओल्ड एसेट। ठीक है, जो तुम लॉस बियर करोगे अपने ओल्ड एसेट को रिप्लेस करते वक्त, तो जो मैं लॉस बियर कर रही हूँ उसे क्या बोला जाएगा? रिप्लेसमेंट कॉस्ट। मेरे जमाने में जब मैंने फोन लिया था 32,000, आज जो मैं वो यशमान के जमाने में फोन बेचने जा रही हूँ तो वैल्यू कितनी है? 8,000। मुझे कॉस्ट कितनी लग रही है अपनी जेब से? तो मेरे को लॉस हो रहा है यहाँ पे स्टूडेंट्स 24,000 का यशमान के जमाने पे आके। तो यशमान के जमाने की जो कॉस्ट है वो 24,000 है, विच आई एम इंकरिंग फॉर रिप्लेसिंग माई एसेट। ठीक है, इनस्टेबिलिटी इन द प्राइस मेक दीज टू कॉस्ट डिफर, अदर थिंग रिमेनिंग द सेम, एंड इंक्रीज इन द प्राइस विल मेक द रिप्लेसमेंट कॉस्ट हायर एंड देन द हिस्टोरिकल कॉस्ट। ठीक है यशमान, क्लियर है? चलो, फिक्स सॉरी, प्राइवेट कॉस्ट एंड सोशल कॉस्ट। अगर स्टूडेंट्स प्राइवेट कॉस्ट की बात की जाए तो प्राइवेट कॉस्ट यहाँ पे क्या बोलता है? तो प्राइवेट कॉस्ट आर दी कॉस्ट विच आर इंकर्ड बाय दी फर्म, एंड या तो वो एक्सप्लिसिट होंगी या तो इम्प्लिसिट होंगी, बट वो हमने अपने बिजनेस के लिए इंकर की है। मतलब प्राइवेट कॉस्ट आर दी कॉस्ट एक्चुअली इंकर्ड और प्रोवाइडेड बाय दी फर्म एंड आर इधर एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट, दे नॉर्मली फिगर इन द बिजनेस डिसीजन एज दे फॉर्म पार्ट ऑफ द टोटल कॉस्ट एंड दे आर इंटरनलाइज्ड बाय द फर्म। सोशल कॉस्ट ऑन द अदर हैंड रिफर टू द टोटल कॉस्ट बॉर्न बाय द सोसाइटी ऑन अकाउंट ऑफ द बिजनेस एक्टिविटी एंड इंक्लूड्स प्राइवेट कॉस्ट एंड एक्सटर्नल कॉस्ट टू। ठीक है, जैसा व्यापार व्यापारी कर रहा है तो उसने जो कॉस्ट इंकर की वो तो उसकी प्राइवेट कॉस्ट है, बट उसके व्यापार के कारण ओवरऑल जो सोसाइटी कॉस्ट बियर कर रही है अलॉन्ग विथ उसकी कॉस्ट, उसे क्या बोला जाता है यहाँ पर? सोशल कॉस्ट। सोशल कॉस्ट मतलब जैसे मान लो एक बिजनेस है, वो बहुत ज्यादा पॉल्यूशन फैला रहा है, तो पॉल्यूशन के कारण सोसाइटी भी तो उसके कारण कॉस्ट बियर कर रही है अपनी दवाई वगैरह के, तो उस कॉस्ट को क्या बोला जाता है स्टूडेंट? सोशल कॉस्ट बोला जाता है। ठीक है, फिर आ गया यहाँ पर, चलो एक बार और। इट इंक्लूड्स द कॉस्ट ऑफ रिसोर्सेज फॉर विच द फर्म इज नॉट रिक्वायर्ड टू पे अ प्राइस सच एज एटमोस्फियर, रिवर, रोडवे एंड द कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ डिसयूटिलिटी। ऐसी चीजें जिससे हमें डिससेटिस्फेक्शन मिले क्रिएटेड बाय द फर्म सच एज एयर, वाटर और एनवायरमेंटल पोल्यूशन, एक्सटर्नलिटीज। ठीक है, चलिए फिक्स एंड वेरिएबल कॉस्ट। अब फिक्स कॉस्ट स्टूडेंट बहुत ही आसान है। फिक्स कॉस्ट मतलब क्या? ऐसी कॉस्ट जो फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पे लगी, और मतलब कभी लगी? शॉर्ट रन में लगी, क्योंकि लॉन्ग रन में तो सारे फैक्टर इनपुट कैसे होते हैं? वेरिएबल होते हैं। तो फिक्स कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एम्प्लॉयड इन द शॉर्ट रन। ठीक है, तो फिक्स कॉस्ट और द कॉन्स्टेंट कॉस्ट आर नॉट द फंक्शन ऑफ द आउटपुट। मतलब ये आउटपुट लेवल पे डिपेंड नहीं करती, दे डू नॉट वेरी विद द लेवल ऑफ आउटपुट अप टू अ सर्टेन लेवल ऑफ एक्टिविटी जब तक तुम शॉर्ट रन में हो। जैसे ही तुम अपने स्तर को बढ़ाओगे तो ये कॉस्ट भी क्या कर देंगी? वेरी कर जाएंगी। दीज कॉस्ट रिक्वायर अ फिक्स एक्सपेंडिचर ऑफ द फर्म इन रिस्पेक्टिव ऑफ द लेवल ऑफ आउटपुट, एग्जाम्पल रेंट, प्रॉपर्टी टैक्सेस, इंटरेस्ट ऑन लोन, डेप्रिसिएशन, व्हेन टेकन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम एंड नॉट ऑफ द आउटपुट। इन्हें समय पे देखा गया, इन्हें आउटपुट लेवल के थ्रू नजरिए से नहीं देखा गया। ठीक है, हाउएवर दीज कॉस्ट वेरी विद द साइज ऑफ द प्लांट। ऑब्वियसली हम एक मशीन से दूसरी मशीन को चूज करेंगे तो एक मशीन की कॉस्ट फिक्स नेचर की अलग होगी, दूसरी की कॉस्ट अलग नेचर की होगी। देयरफॉर फिक्स कॉस्ट डू नॉट वेरी विद द वॉल्यूम ऑफ द आउटपुट विद इन अ कैपेसिटी लेवल। है ना, हमने देखा था प्लांट साइज अलग अलग होते हैं, तो ऑलरेडी एक प्लांट की एक फिक्स कॉस्ट सेट है। जब तुम एक प्लांट से दूसरे प्लांट में जाओगे तो तुम्हारी फिक्स कॉस्ट क्या हो जाएगी? बदल जाएगी, क्योंकि हर एक प्लांट की अपनी खुद की कुछ एक फिक्स कॉस्ट होती है। ओके, फिक्स कॉस्ट कैन नॉट बी अवॉइडेड। ये तो तब भी लगेंगी, भाई मैंने रूम रेंट पे ले लिया, लग रहा है एक तरीके से ये कैसी होती है? सम कॉस्ट होती है। ओके, ये इंक्लूडेड तो होती है बट ये डिसीजन लेने के लिए इररिलेवेंट होती है। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट आर दोस कॉस्ट दैट आर द फंक्शन ऑफ द आउटपुट। मतलब ये कॉस्ट किस पे डिपेंड करती है? लेवल ऑफ आउटपुट। लेवल ऑफ आउटपुट बढ़ेगा तो ये कॉस्ट भी बढ़ेंगी, लेवल ऑफ आउटपुट कम होगा तो ये कॉस्ट भी कम होगी। मतलब ये डायरेक्टली कैसी होती है? एलोकेबल होती है टू द लेवल ऑफ आउटपुट। फिक्स कॉस्ट को एक तरीके से इनडायरेक्ट कॉस्ट भी बोला जाता है, वेरिएबल कॉस्ट को क्या बोला जाता है? डायरेक्ट कॉस्ट भी बोला जाता है। इन्हीं को आप बोल सकते हो ये इंक्रीमेंटल भी हो सकती है, इंक्रीमेंटल भी हो सकती है। ठीक है, नॉट एग्जैक्टली इंक्रीमेंटल, इंक्रीमेंटल भी हो सकती है। ओके, चलिए बताइए स्टूडेंट्स, क्लियर है सभी को?
जल्दी, अभी तक मैंने जितना एक्सप्लेन किया, इज इट क्लियर टू ईच एंड एवरीवन? इसमें कोई भी डाउट? जल्दी से बताइए स्टूडेंट्स, इसमें कोई भी डाउट? ओके ग्रेट स्टूडेंट्स, ये चैप्टर मैं बहुत आहिस्ता आहिस्ता कराऊंगी क्योंकि आपको इस चैप्टर को मार्केट में भी यूज करना है। तो कोई भी डाउट है कोई बात नहीं, मैं बहुत तसल्ली से चल रही हूँ। तुम भी इस टाइम पे फ्री रहते हो, मैं भी इस टाइम पे फ्री रहती हूँ। तुम पहली बात तो पढ़ नहीं रहे हो, तुम्हारा रिविजन हो रहा है, तो दिमाग पे इतना प्रेशर भी नहीं है आपके। ओके चलो, कॉस्ट फंक्शन। कॉस्ट फंक्शन क्या होता है? तो कॉस्ट फंक्शन इज अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द आउटपुट एंड द कॉस्ट ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। क्योंकि हमने पढ़ा था कि जब हम इस चैप्टर में कॉस्ट एनालिसिस पढ़ रहे हैं, जब हम इस चैप्टर में कॉस्ट एनालिसिस पढ़ रहे हैं, तो इस चैप्टर में हम उन चीजों की कॉस्ट कंसिडर कर रहे हैं जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे इंकर की गई थी प्रोडक्शन करते वक्त। बट अगर एग्जैक्टली कॉस्ट फंक्शन देखा जाए तो कॉस्ट फंक्शन इज द मैथमेटिकल, हम इसकी बात करते, मैं इस चैप्टर की बात करती, नहीं तो जनरली देखा जाए तो इट इज अ मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। मतलब अगर मान लो हमने 15 यूनिट बनाई, तो ये बताता है कि 15 यूनिट को बनाने का खर्चा है 60 रुपए, एंड ये जो 60 रुपए लगा है इसके क्राइटेरिया ये है, इन इन पे इतना इतना पैसा लगा है, दैट इज एंड द वेरियस डिटर्मिनेंट ऑफ द कॉस्ट। इन अ कॉस्ट फंक्शन द डिपेंडेंट वेरिएबल इज द यूनिट कॉस्ट। ये क्या है? डिपेंडेंट है किस पे? अपने फैक्टर्स पे। तो यहां पर डिपेंडेंट वेरिएबल इज द यूनिट कॉस्ट और द टोटल कॉस्ट, एंड द इंडिपेंडेंट वेरिएबल आर द प्राइस ऑफ द फैक्टर, साइज ऑफ द आउटपुट और एनी अदर रेलिवेंट फेनोमेना विच हैज अ बेयरिंग ऑन द कॉस्ट सच एज टेक्नोलॉजी, लेवल ऑफ कैपेसिटी, यूटिलाइजेशन, एफिशिएंसी, टाइम पीरियड अंडर कंसिडरेशन। कॉस्ट फंक्शन इज अ फंक्शन विच इज ऑब्टेन फ्रॉम द प्रोडक्शन फंक्शन। कहां से निकाला गया? प्रोडक्शन फंक्शन से, एंड द मार्केट सप्लाई ऑफ द इनपुट। इट एक्सप्रेसेस द रिलेशनशिप बिटवीन द कॉस्ट एंड द आउटपुट। कॉस्ट फंक्शन क्या है? डिराइव फ्रॉम द एक्चुअल कॉस्ट डेटा ऑफ द फर्म एंड आर प्रेजेंटेड थ्रू द कॉस्ट कर्व। ओके चले, क्या बोल रहे हैं आप जयंत? मैम हिस्टोरिकल कॉस्ट इज अ बुक कॉस्ट। हाँ, बुक वैल्यू पे जो हम एसेट को रिकॉर्ड करते हैं उसे बोला जाता है हिस्टोरिकल कॉस्ट। ठीक है चलिए स्टूडेंट्स, अब प्रोडक्शन कितने रन में होता है? दो, एक होता है शॉर्ट रन, एक होता है लॉन्ग रन। शॉर्ट रन में कितने फैक्टर्स इनपुट होते हैं? तो एक होते हैं फिक्स फैक्टर इनपुट, एक होते हैं वेरिएबल फैक्टर इनपुट। ठीक है, अब देखिए अगर हम बात करें फिक्स कॉस्ट की, टू बी वेरी ऑनेस्ट यहाँ पे फिक्स कॉस्ट क्या होगी? ऐसी कॉस्ट जो फिक्स फैक्टर पे लगाएगी, और फिक्स फैक्टर क्या होते हैं? हर एक लेवल ऑफ आउटपुट पे कॉन्स्टेंट होते हैं। जैसे वेदांत के पास जो मशीन थी वो मशीन थी, इस मशीन में अगर कोई भी लेबर नहीं थी तो भी मशीन की कॉस्ट 12, फिर उसके बाद इस मशीन में एक लेबर लगी आउटपुट बना तो भी कॉस्ट 12, फिर इधर पे और आउटपुट बना तो भी कॉस्ट 12, आउटपुट बना तो भी कॉस्ट 12, आउटपुट बना तो भी कॉस्ट 12। मतलब अगर आप आउटपुट लेवल 1 बोलो, 2 बोलो, 3 बोलो, 4 बोलो, 5 बोलो, कुछ भी आउटपुट लेवल हो कोई टेंशन नहीं है, ये कॉस्ट कैसी रहेगी? बिंदास फिक्स रहेगी। इससे मत घबराओ, ये पहले भी जितनी थी ये उतनी अभी रहेगी। मतलब अगर तुम आउटपुट नहीं भी प्रोड्यूस करोगे ना तो भी ये कॉस्ट लगेगी ही लगेगी, तो तुम्हें इससे घबराने की कोई भी बात नहीं है। तो जब हम इस कॉस्ट कर्व को प्लॉट करेंगे तो ऑब्वियसली तुमने देखा कि ये जो कॉस्ट होती है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है ना, और आउटपुट जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहाँ पे आएगा? एक्स एक्सिस पे, और जो कॉस्ट आएगी वो किस पे आएगी? वाई एक्सिस पे। यहाँ पे आ गया ओरिजिन। रितिका ध्यान से देखिए, आपको कर्व में डाउट है तो यहाँ पर आ गया स्टूडेंट्स आउटपुट, यहाँ पर आ गई कॉस्ट। ये कॉस्ट कैसी है? टीएफसी है। ठीक है, टोटल फिक्स कॉस्ट की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने बोला आउटपुट 0 था तो भी ये कॉस्ट 12 थी, 1 हुआ तो भी ये 12 है, 2 हुआ तो भी ये 12 है, 3 हुआ तो भी ये 12 है, 4 हुआ तो भी ये 12 है। तो जब हम सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेंगे कंसीडरिंग द इन्फॉर्मेशन ऑन द एक्स एक्सिस एंड द वाई एक्सिस, मतलब एक्स से आउटपुट लिया, वाई से उस आउटपुट की कॉस्ट ली। रितिका, एक्स से मैंने आउटपुट लिया और वाई से उस आउटपुट की कॉस्ट ली, मैंने देखा कि 1 पे भी कॉस्ट कितनी थी? 12। 2 पे भी कॉस्ट कितनी थी? 12। 3 पे भी कॉस्ट कितनी थी? 12। 4 पे भी कॉस्ट कितनी थी? 12। तो ये कर्व कैसा बना स्टूडेंट्स? ये बना पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस। क्या बताता है? तुम इसे रीड कैसे करोगे? तुम्हें रीडिंग में ही प्रॉब्लम जा रही है ना, रीड कैसे करोगे? ऑब्वियसली जब तुम किसी कर्व को रीड करते हो यू टेक इनटू कंसीडरेशन एक्स एंड वाई, क्योंकि जितनी बार जब मैं ये प्लॉट कर रही थी पॉइंट्स ऑन दी ग्राफ, आई वॉज कंसिडरिंग दी एक्स एंड दी वाई वैल्यू बोथ। देखो मैंने क्या बोला,
आउटपुट 0 था, ये cos 12 थी, आउटपुट 1 है, ये cos 12 है, आउटपुट 2 है, ये cos 12 है, आउटपुट 3 है, ये cos 12 है, आउटपुट 4 है, ये cos 12 है। तो जब मैंने सारे पॉइंट्स जो मार्क किए हैं वो x एक्सिस और y एक्सिस की तो इन्फॉर्मेशन ली है मैंने, यही तो देखा था कि x पे आउटपुट कितना और उस आउटपुट लेवल पे cos कितनी, तो मैंने यहाँ पर ये कर्व बना दिया। ये कर्व कैसा फॉलो हो रहा है, सारे पॉइंट्स एक ही लाइन पे फॉलो हो रहे हैं। क्यों एक ही लाइन पे फॉलो हो रहा है, क्योंकि हर एक आउटपुट लेवल पे कॉस कैसी है, सेम है, ये कॉस चेंज नहीं हो रही है। तो इसीलिए जो टीएफसी कर्व बनेगा वो पैरेलल टू द एक्स एक्सिस बनेगा, इंडिकेटिंग दैट इररिस्पेक्टिव ऑफ द लेवल ऑफ आउटपुट दिस कॉस्ट विल रिमेन देयर। आप एक बनाओ, जीरो बनाओ, हजार बनाओ, अगर फिक्स फैक्टर है शॉर्ट रन में तो उसकी ये कॉस्ट है, और अगर वाली तो बात ही नहीं, शॉर्ट रन में तो फिक्स फैक्टर होता ही होता है, तभी तो उसका नाम शॉर्ट रन रखा गया है। ठीक है, जल्दी बताइए स्टूडेंट्स, क्लियर है सभी को इतना फटाफट से? इज इट क्लियर टू ऑल? इज इट क्लियर टू ऑल? रितिका, फर्स्टली यू, आपको कर्व में आपने मुझे मेंशन किया है। देखो स्टूडेंट्स, जो मुझे स्टूडेंट्स मेंशन कर देते हैं ना, उनकी बात मुझे दिमाग में रहती है, तो मैं जब एग्जांपल देती हूँ तो उनको ज्यादा फोकस करके बोलती हूँ। चलो ग्रेट, फिर उसके बाद आया स्टूडेंट्स वेरिएबल कॉस्ट। अब तुम बताओ, जब वेदांत के पास एक मशीन थी तो मशीन तो पहली बात एक ही थी, बट वेदांत को अगर आउटपुट लेवल को चेंज करना पड़ रहा था तो क्या उसे यहाँ पर वेरिएबल फैक्टर को एम्प्लॉय करना पड़ रहा था? हाँ, तो यहाँ पर वेदांत ने देखा कि जब आउटपुट कुछ भी नहीं था तो मशीन की कॉस्ट तब भी लग रही थी, फिक्स फैक्टर की कॉस्ट तब भी लग रही थी, जिसे बोला गया फिक्स कॉस्ट 12। आउटपुट 1 भी बना तो ये मशीन तभी भी थी, आउटपुट 2 भी बना तो भी ये मशीन थी, आउटपुट 3 यूनिट बने तो भी ये मशीन थी, आउटपुट 4 यूनिट बना तो भी ये मशीन थी, इसका तो कोई लोड ही नहीं है। बट क्या हुआ, जीरो आउटपुट बनाने के लिए वेरिएबल फैक्टर की जरूरत ही नहीं थी ना, कुछ जरूरत ही नहीं थी ना, रॉ मटेरियल ना लेबर। बट जब हमने एक एक यूनिट बनाना चालू किया तो उस एक एक यूनिट के लिए कुछ रॉ मटेरियल का भी खर्चा लगा, कुछ लेबर का भी खर्चा लगा, और वो खर्चा पहले तो हमने देखा कि भाई पहले लगा एक यूनिट को बनाने का खर्चा 6, दूसरी को बनाने का खर्चा 4, तीसरी को बनाने का खर्चा 5, फिर लगा 6, फिर लगा चलो मान लो 8, मैंने यहाँ पर की कॉस्ट ले ली। अब तुम बोलोगे कि मैम ये कॉस्ट ऐसी क्यों हुई कि पहले गिरी एक एक यूनिट को, क्योंकि मैंने वर्ड यूज किया मार्जिनल, मार्जिनल मतलब एडिशनल, कॉस्ट मतलब खर्चा, तो यहाँ पर मार्जिनल कॉस्ट मतलब एडिशनल खर्चा, और एडिशनल खर्चा किस पे लगेगा, वेरिएबल फैक्टर पे, क्योंकि फिक्स फैक्टर पे कोई एडिशनल खर्चा नहीं लग रहा है, तो यहाँ पर एडिशनल खर्चा किस नेचर का होगा, वेरिएबल नेचर का। क्यों लगा, क्योंकि यूनिट बनी। तुम देख लो, यूनिट नहीं बनती तो ये खर्चा भी कैसा था, जीरो था। अब ये खर्चा इस नेचर का क्यों है, माय क्वेश्चन इज दिस, कि पहले गिरा फिर बढ़ा। तो तुमने स्टूडेंट्स कॉस्ट एनालिसिस का अगर ये पॉइंट ध्यान से देखा हो तो बोला है द शेप ऑफ द कॉस्ट कर्व डिपेंड्स अपॉन द कॉस्ट फंक्शन, एंड यहां पर आपको बोला था कि यहां पर एक मिनट, प्रोडक्शन के बारे में कुछ बात दी गई थी। हाँ, कॉस्ट फंक्शन इज द फंक्शन विच इज ऑब्टेन फ्रॉम द प्रोडक्शन फंक्शन, मतलब हम जो कॉस्ट पढ़ रहे हैं वो हम वो कॉस्ट पढ़ रहे हैं जो हमने प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ा था ना, उस प्रोडक्शन फंक्शन पे ऑपरेट करते वक्त हमें जो कॉस्ट लगी थी, हम उन कॉस्ट की यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो जल्दी से एक बार प्रोडक्शन फंक्शन देख लेते हैं क्या था। तो प्रोडक्शन फंक्शन स्टूडेंट्स क्या था कि भाई जब पहली यूनिट ऑफ लेबर आई तो आउटपुट कितना बना, तो आउटपुट बना 2, फिर जब सेकेंड यूनिट ऑफ लेबर आई तो आउटपुट कितना बना 4, जब थर्ड यूनिट ऑफ लेबर आने के कारण आउटपुट कितना बना 6। ठीक है, अगर मैं टोटल की बात करूं तो पहले कितना था 2, फिर कितना हुआ 6, फिर कितना हुआ 12, राइट, इतना तो देखा। अब तुम एक लॉजिकल बात देखो कि अगर मान लो ये आउटपुट जो पहली लेबर ने बनाया वो थे दिनेश, है ना, तो दिनेश 6,000 रुपए महीने पे एम्प्लॉयड थे, पर उन्होंने पहले कितना आउटपुट बनाया 1, राइट, फिर सॉरी हाँ चलो 2 यूनिट्स बनाए, तो एक एक यूनिट को बनाने का खर्चा कितना था 3,000। बट जैसे जैसे वेरिएबल फैक्टर आते गए तो तुमने देखा प्रोडक्शन फंक्शन में डिविजन ऑफ वर्क हुआ, तो यहां पर क्या लोगों के आने से दिनेश की एफिशिएंसी बढ़ गई,
और एफिशिएंसी के चलते जो ऑन एन एवरेज दिनेश ने आउटपुट बनाया वो बनाया 3 ऑन एन एवरेज की अगर बात की जाए तो। जैसे जैसे लोग आ रहे थे इनकी एफिशिएंसी बढ़ रही थी डिविजन ऑफ वर्क के चलते, तो इनके हो सकता है इन्होंने ज्यादा यूनिट्स का प्रोडक्शन किया, तो एक एक यूनिट पे जो दिनेश का खर्चा एलोकेट किया जाएगा वो कितना किया जाएगा, 2000। तो बोलता है जब फर्म के मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ते हैं, मतलब एक एक वेरिएबल ज्यादा ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करता है, तो एक एक वेरिएबल की जो कॉस्ट है वो ज्यादा यूनिट में डिवाइड हो जाती है। जिस कॉस्ट को तुम पहले 2 यूनिट से डिवाइड कर रहे थे, अब उसे 3 यूनिट्स पे एलोकेट करोगे, तो जब खर्चा बढ़ेगा तो एक एक यूनिट पे खर्चा कैसा आएगा, कम। फिर जब तुम प्रोडक्शन बढ़ा रहे हो, जब तुम प्रोडक्शन बढ़ा रहे हो मतलब लेबर बढ़ा रहे हो, आउटपुट कैसा होता जा रहा है, कम कम। तो जब कम कम हो रहा है तो ज्यादा ज्यादा लोग कम कम यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली एफिशिएंसी गिर रही है, तो एक एक लेबर का खर्चा बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा एक एक यूनिट पे, क्यों? क्योंकि 6000 के खर्चे पे हो सकता है लेबर केवल और केवल एक यूनिट प्रोड्यूस कर रही है, तो एक यूनिट पे जो लेबर का खर्चा जाएगा बनाने का वो तो 6000 जाएगा ना। तो बोलता है ये जो आपकी कॉस्ट है वो इनवर्सली रिलेटेड होती है प्रोडक्शन से। अगर एक एक वेरिएबल फैक्टर आपको ज्यादा ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करके देगा तो एक एक यूनिट पे उसका खर्चा कैसा बैठेगा, कम कम। बट अगर आपका वेरिएबल फैक्टर कम कम प्रोडक्शन करके देगा तो एक एक यूनिट पे खर्चा कैसे बैठेगा, ज्यादा ज्यादा। यही चीज बोलेगी स्टूडेंट्स यहाँ पर कि पहले मार्जिनल कॉस्ट क्यों गिरी, तो मार्जिनल कॉस्ट के गिरने का कारण था इंक्रीजिंग रिटर्न। इंक्रीजिंग रिटर्न मतलब क्या, तो इंक्रीजिंग रिटर्न मतलब मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ रहा था। फिर एक एक आने के कारण, एक एक आउटपुट के आने के कारण कॉस्ट ज्यादा ज्यादा हो रही है, तो कॉस्ट ज्यादा ज्यादा क्यों हो रही होगी एक एक यूनिट की, क्योंकि एक एक वेरिएबल फैक्टर की कॉस्ट ज्यादा ज्यादा इसलिए आ रही है क्योंकि क्योंकि प्रोडक्शन कैसा हो रहा है, कम कम, मतलब डिमिनिशिंग रिटर्न्स एंड नेगेटिव रिटर्न्स, ये इसका कारण है। ठीक है, पक्का? चलिए तो अब हम क्या बोलेंगे कि भाई एक एक यूनिट को जो बनाने का खर्चा लगा है, जस्ट अ सेकेंड। एक एक यूनिट को जो बनाने का खर्चा लगा है वो पहले लगा था मान लीजिए स्टूडेंट्स यहाँ पर 5, फिर खर्चा गिर के कितना हो गया 4, फिर बढ़ के कितना हो गया फिर से 5 हो गया, फिर उसके बाद यहाँ पर कितना हो गया, तो बोलते हैं यहाँ पर खर्चा हो गया 6 और यहाँ पे खर्चा हो गया 12। तो ये एक एक यूनिट को बनाने का खर्चा है। पहली यूनिट बनने के कारण जो खर्चा हुआ वो था 5 और जो पहले से हो रखा था वो था 12। तो अगर मैं बात करूँ टोटल वेरिएबल कॉस्ट, वो इसको भी कंसिडर करेगा या उस खर्चे को जो प्रोडक्शन के कारण आया, प्रोडक्शन के कारण आया। तो अभी फिलहाल में खर्चा वेरिएबल नेचर का इस लेवल ऑफ आउटपुट पे कितना है, 5। ठीक है, फिर उसके बाद यहां पर ये खर्चा कितना हुआ, ये गिरा। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट भले ही बोल रहा है ये खर्चा गिरा, बट तुम्हें नहीं लगता सेकेंड यूनिट को ये बनाने का खर्चा 4 है? तो ऑब्वियसली जब सेकेंड यूनिट को बनाने का खर्चा 4 है तो तुमसे पूछेगा कोई 2 यूनिट को बनाने का खर्चा कितना, तो तुम बोलोगे भाई पहली यूनिट बनाने के लिए 5 रुपए जेब से गए थे, दूसरी यूनिट बनाने के लिए 4 रुपए जेब से गए, तो टोटल अभी तक जो मैं खर्चा कर चुका हूँ वेरिएबल नेचर का वो कैसा है, 9। फिर उसके बाद यहाँ पर तीसरी यूनिट को बनाने का खर्चा 5 रुपए है, मैं ऑलरेडी 9 रुपए 2 यूनिट बनाने के लिए खर्चा कर चुका हूँ, ये तीसरी बनने के कारण ये एडिशनल खर्चा 5 का हुआ। तो टोटल वेरिएबल नेचर के खर्चे, ऐसे खर्चे जो तभी लग रहे हैं जब आउटपुट बन रहा है, ये कितना है, 14। फिर ये खर्चा बढ़ के कितना हो जाएगा, 20, और फिर बढ़ के कितना हो जाएगा, 32। मतलब जो मार्जिनल कॉस्ट है ना वो किस नेचर की कॉस्ट है, वेरिएबल। बस मार्जिनल और टोटल वेरिएबल कॉस्ट में इतना ही अंतर है कि जो मार्जिनल कॉस्ट है वो एक एक यूनिट को बनाने का खर्चा है, और टोटल वेरिएबल कॉस्ट ये बोलता है कि अभी तक का जितना प्रोडक्शन हुआ उसमें वेरिएबल नेचर का कितना खर्चा लगा। इन्हीं कॉस्ट को एडअप कर दो एट अलग अलग लेवल ऑफ आउटपुट। ठीक है, पक्का? तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है स्टूडेंट्स, हमेशा बढ़ती है। बस ये देख लो कि इसका जो एडिशन है वो है मार्जिनल कॉस्ट, तो ये पहले कम से बढ़ी फिर तेजी से बढ़ी, पर बढ़ी तो बढ़ी बढ़ी, तो मतलब टोटल वेरिएबल कॉस्ट पहले कम से बढ़ती है डिमिनिशिंग रिटर्न से, फिर इंक्रीजिंग रिटर्न से। डिमिनिशिंग रेट से बढ़ने का कारण क्या है, इंक्रीजिंग रिटर्न, और बढ़ने का तेजी से कारण क्या है, डिमिनिशिंग रिटर्न एंड नेगेटिव रिटर्न। ठीक है, पक्का? तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट का हमेशा कैसा होता है, अपवर्ड स्लोपिंग। इसी में अगर मैं मार्जिनल कॉस्ट की बात करूं
जस्ट अ सेकेंड, मार्जिनल कॉस्ट कर्व की बात करूं तो मार्जिनल कॉस्ट कैसी होती है, पहले गिरी इंक्रीजिंग रिटर्न्स के कारण, फिर बढ़ी डिमिनिशिंग एंड नेगेटिव रिटर्न्स के कारण। ठीक है, जिसको प्लॉटिंग नहीं समझ आती उनके लिए मैं वापस से ड्रॉ करना चाह रही हूँ, जस्ट अ सेकेंड स्टूडेंट्स। ये बनाया मैंने एक्स एक्स वाई एक्सेस एंड एक्स एक्सेस, यहाँ पे क्या ले लिया मैंने आउटपुट ले लिया, यहाँ पे क्या ले ली मैंने कॉस्ट ले ली। मैंने बोला कि पहली यूनिट को जो बनाने का खर्चा आया है वो है फाइव, देखो यहाँ पे खर्चा होगा शायद फाइव, फिर उसके बाद दूसरी यूनिट को बनाने का खर्चा है फोर, यहाँ पे खर्चा छोटा फोर, तो मैंने दूसरी यूनिट का परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, उसकी कॉस्ट वाई एक्सेस से ली। ठीक है, फिर उसके बाद तो ये खर्चा हो गया इतना, फिर उसके बाद तीसरी यूनिट को बनाने का खर्चा हुआ था फाइव, फिर फोर्थ यूनिट को बनाने का खर्चा हुआ था सिक्स, एंड फिफ्थ यूनिट को बनाने का खर्चा हुआ था ट्वेल्व। तो जब मैंने इन सारे पॉइंट्स को ड्रॉ किया तो मुझे एक कर्व मिल गया, वो कर्व कैसे बना, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब जब इसे रीड करने की बारी आएगी, जब इसे रीड करने की बारी आएगी तो मैं कैसे रीड करूंगी, मैं यही तो बोलूंगी ना कि भाई जैसे जैसे आउटपुट, जैसे जैसे आउटपुट के प्रोडक्शन को हम बढ़ा रहे हैं, पहले एक एक यूनिट को बनाने का खर्चा कम हुआ, फिर एक एक यूनिट को बनाने का खर्चा बढ़ता चला गया, मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है आप सभी को, इतना जल्दी बताइए इतना क्लियर है।